विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मनसा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा करने का प्रयास विपक्ष ने किया और एक नकारात्मक राजनीति की, लोगों को संबल देने की बजाय जिस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने सेकेंड वेव के दौरान किया था, दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को ये प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा, क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए
किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। संसद का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र था और मुझे तो आश्चर्य होता है यह परिपाटी रही है संसद सत्र में, क्योंकि लगभग 19-20 वर्षों तक संसद के अंदर कार्य करने के लिए का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ देश का संसद है। एक आम नागरिक की आवाज को उस मंच के माध्यम से हम देश के सामने रखते हैं और संसद की परिपाटी रही है कि मंत्रिमंडल के गठन पुनर्गठन के साथ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराया जाता है, संसद सदस्यों से कराया जाता है। आपने देखा होगा मंत्रिमंडल के परिचय के कार्यक्रम में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति और उन तबकों से जुड़े हुए मंत्री काफी बड़े पैमाने पर बने हैं, जिन्होंने देश की आजादी के बाद कभी भी नेतृत्व नहीं देखा था। आज जब उस तबके को नेतृत्व दिया गया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और उन सभी माननीय मंत्रियों के परिचय संसद सत्र प्रारंभ होने के साथ ही संसद के अंदर होता, विपक्ष को यह रास नहीं आया। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना लें ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और ये लगातार विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, कैसे किसान को समुदाय में मत और मजहब के साथ जोड़ करके देख करके उनके माध्यम से भड़काऊ और देश विरोधी कृत्यों को आगे बढ़ाने की छूट दी जाती है, विपक्ष उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ये नकारात्मक राजनीति से न देश का कल्याण होने वाला है और न विपक्ष का ही और न जनता जनार्दन का ही। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति देश के अंदर वातावरण को विषाक्त जरूर करेगी, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब भी जरूर करेगी। कोरोना कालखंड के अंदर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये के कारण भारत की छवि पहले काफी आहत हुई, लेकिन अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। तथ्यहीन झूठे आरोप लगा लगा करके देश के यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनकी कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी, जनता जनार्दन समय आने पर उन्हें फिर से जवाब देगा, वैसे ही जवाब देगा जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर राफेल जैसे मुद्दों को ला करके उस समय विपक्ष ने देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया था, बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी थी न्यायालय में भी और जनता जनार्दन की अदालत में भी। इस बार फिर से संसद सत्र के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए चर्चा होती, कोरोना महामारी को लेकर के चर्चा होती, वैक्सीनेशन की ड्राइव को कैसे हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें, इसको लेकर के इस सदी की इस महामारी से निपटने में सामूहिकता का क्या प्रभाव हो सकता है,
इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता, चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मनसाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। देश की जनता मांग कर रही है कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्यवाही को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए।